हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. स्टूडेंट्स, देखिए हमने अभी चैप्टर सेकेंड ऑफ हिस्ट्री फिनिश किया है और इसको बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन भी किया है और डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में हमने पढ़ा है कि अर्ली ह्यूमन बींग्स जो है वो फूड गैदर करते थे, हंटिंग करते थे, फिर उन्होंने फसल उगाना शुरू किया. पहले वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे और फिर वो एक जगह पर सेटल हुए. उन्होंने मिट्टी के बर्तन यूज करना स्टार्ट किया, कभी उन्होंने स्टोन के, कभी बोन्स के हथियार बनाए अपने और औजार बनाए. और ये सब चीजें हमने पढ़ी कि अपने आप को बचाने के लिए वो घर कैसे कैसे बनाता था, मिट्टी के अंदर भी घर बनाता था अर्ली ह्यूमन बींग, और डिफरेंट चीजें उसके बारे में पढ़ी और कहां तक वो, जहां वो हंटिंग करता था वहां से लेकर फिर अर्ली ह्यूमन बींग ने फसल उगाना स्टार्ट कर लिया. देखिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए. देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर टू के क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, व्हाट डू मीन बाय आर्कियोलॉजिकल साइट्स? आप पुरातत्व स्थान से आप क्या समझते हैं? जो पुरातत्व से रिलेटेड जो जगह हैं, उससे आपका क्या मतलब है? आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, टूल्स एंड पॉट्स वर फाउंड. पुरातत्व साइट्स वो जगह हैं जहां पर पुरानी, पुराने समय की बिल्डिंग्स के, इमारतों के अवशेष, औजारों के अवशेष और बर्तनों के अवशेष मिले हैं. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट वाज द एक्सटेंशन ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड? पैलियोलिथिक पीरियड जो हमारा पुरापाषाण काल है वो कितने लंबे समय तक चला, उसका विस्तार क्या था? आंसर, फ्रॉम 2 मिलियन means 20 lakhs years ago to about 12,000 years ago means 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक ये पैलियोलिथिक एज, पुरापाषाण काल चला था. क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ मेसोलिथिक? जो मेसोलिथिक है पीरियड मींस मध्य पाषाण काल है, उसका जो है समय अंतराल या उसका पीरियड क्या था? आंसर, फ्रॉम 12,000 ईयर्स एगो टिल 10,000 ईयर्स एगो. 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का ये मेसोलिथिक पीरियड मींस मध्य पाषाण काल था. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हेन डिड द नियोलिथिक एज स्टार्ट? जो नव पाषाण काल है वो कब शुरू हुआ? आंसर, फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, लगभग 10,000 साल पहले. क्वेश्चन नंबर फाइव, इन विच एज वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस? जो वातावरण में बदलाव आए, जब थोड़ी सी गर्मी शुरू हुई वो कब हुआ, किस एज में हुआ? आंसर, इन मेसोलिथिक एज मींस मध्य पाषाण युग में वातावरण में चेंजेस हुए. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट नेम वाज गिवन टू द टूल्स ऑफ मेसोलिथिक एज? जो मध्य पाषाण काल था, मेसोलिथिक एज थी, उसके टूल्स जो औजार जो थे उनको क्या नाम दिया गया था? आंसर, स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर टाइनी. जो पत्थर के औजार इस समय मिले थे वो बहुत छोटे थे, सो दीज टूल्स आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स. इसलिए इनको माइक्रोलिथ्स बोला गया मींस लघु पाषाण औजार बोला गया. क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज रॉक पेंटिंग? रॉक पेंटिंग क्या है मींस जो रॉक्स पर, जो चट्टानों पर बनाई गई मींस शेल पेंटिंग क्या है? आंसर, द पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स वर ड्रॉन बाय द अर्ली पीपल इज कॉल्ड रॉक पेंटिंग्स. जो पेंटिंग्स अर्ली ह्यूमन बींग के द्वारा, प्रारंभिक मनुष्य के द्वारा जो गुफाओं की दीवारों पर बनी गई उसको रॉक पेंटिंग बोलते हैं, मींस शैल चित्र बोलते हैं,
या चट्टानों पर पेंटिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज डोमेस्टिकेशन, बसने की प्रक्रिया क्या है। आंसर, डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर देम। बसने की प्रक्रिया उसको नाम दिया गया है जिसमें मनुष्य प्लांट्स उगाता था और उनकी देखभाल करता था, क्योंकि जब वो मनुष्य प्लांट उगाएगा तो उसको एक जगह रहना भी पड़ेगा, उसको देखभाल करनी पड़ेगी, उसकी पशुओं से देखभाल करनी पड़ेगी और जो खरपतवार है वो हटाना पड़ेगा, तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए वहां रहना पड़ा था। इस वजह से जब उसने फसल उगाना स्टार्ट किया तो डोमेस्टिकेशन, बसने की प्रक्रिया शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड डोमेस्टिकेशन बिगिन, के डोमेस्टिकेशन बसने की प्रक्रिया शुरू कब हुई। आंसर, अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, लगभग 12,000 साल पहले। आंसर, क्वेश्चन नंबर 10, विच एनिमल वॉज द फर्स्ट टेम एनिमल, पहला पालतू पशु कौन सा था। आंसर इज डॉग, डॉग जो है वो सबसे पहला पालतू पशु था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर डॉग नेम द अर्लीएस्ट एनिमल्स टू बी डोमेस्टिकेटेड, के डॉग के बाद में, कुत्ते के बाद में कौन से पशु ऐसे थे जिनको पाला गया। आंसर, शीप एंड गोट, भेड़ और बकरी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू मीन बाय पिट हाउसेस, पिट हाउसेस से आप क्या समझते हैं, मीन्स गर्तावास किसे कहते हैं। आंसर, द अर्ली ह्यूमन बींग बिल्ट पिट हाउसेस, जो प्रारंभिक मनुष्य था उसने पिट हाउसेस बनाए, मीन्स गर्तावास बनाए, विच वर डग इन टू द ग्राउंड विद स्टेप्स, जिनको कि कैसे बनाया गया कि जमीन खोदकर बनाया गया और वहां पर उनके साथ में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी साथ में थी, मीन्स सीढ़ियां बनाई गई और नीचे भूमि के अंदर घर बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप्स ऑफ रिमेन्स ऑफ हाउसेस आर फाउंड इन मेहरगढ़, मेहरगढ़ में किस तरह के घरों के अवशेष मिलते हैं। आंसर, रिमेन्स ऑफ स्क्वेयर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस, वर्गाकार और आयताकार घरों के अवशेष मेहरगढ़ में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन डिड द फार्मिंग एंड हर्डिंग बिगिन, फार्मिंग और हर्डिंग कब शुरू हुई। फार्मिंग मीन्स खेती करना, हर्डिंग मीन्स जब मनुष्य ने पशुओं को पालना शुरू किया। आंसर, अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, लगभग 12,000 साल पहले मनुष्य ने कृषि शुरू की और पशुओं को पालना शुरू किया। तो स्टूडेंट्स, हमारे ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। आज के लिए बस इतना, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।